सुनीता शर्मा, आप सभी का टेक्निक टीवी में स्वागत करती हूँ। मैं इस समय इंडिविड के सब इवेंट बोर्ड ऑफ बैटल के जगह पे खड़ी हूँ, जहाँ पर अभी अभी ये इवेंट हुआ है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है राहुल सर, जिन्होंने इस इवेंट को जज किया है। आइए हम उनसे इस इवेंट के बारे में बताते हैं। तो सर, आप बोर्ड ऑफ बैटल के बारे में बताइए कि इस इवेंट में था क्या। बेसिकली दिस इवेंट इज ऑल अबाउट द मेकिंग डिसीजंस अबाउट क्रिटिकल इश्यूज ऑफ द कंपनीज। सो द स्टूडेंट्स कम अप विद द इश्यूज द कंपनीज आर फेसिंग विद द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। सो दे आर मेकिंग अ टीम एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इशू, एंड इन दैट डिस्कशन दे आर वर्किंग ऑन द फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशंस। व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट दे आर डीलिंग विद, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर दोज प्रॉब्लम, एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस टू गिव फॉर द कंपनी, सो दैट कंपनी शुड ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। एंड द स्टूडेंट्स आर बींग जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कन्वर्सेशन, देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज, देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। नमस्कार, मैं श्री आर्य इस वक्त खड़ा हूँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के रूम नंबर 1303, जहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंडेवर। उसमें कई सारे सब इवेंट्स हैं, जिसमें से एक है सिंथेसिस। आइए अब बात करते हैं सिंथेसिस के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप से। आप क्या सोचते हैं सिंथेसिस बच्चों के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है? सिंथेसिस दैट इज द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। In summer training, they visit a different company and gather different data and analysis. We are going to be take that process into our synthesis program. Evaluations is on the basis of three part. That is titles of their area of research. Second, aapka, that is the research methodology. And the third, interpretations and conclusions. ऐसे वो कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप मार्किंग करोगे? मार्किंग आई हैव ऑलरेडी सेड ना, दीज आर द पैरामीटर, दैट इज द टाइटल मेन थिंग। विदाउट टाइटल इट विल बी देयर विल बी प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट इन एनी मैनर। टाइटल मस्ट बी कोरिलेटेड एज पर द रिसर्च एरिया। सेकेंड पॉइंट दैट इज द रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्राइज research designs, data types, sampling designs and data interpretation techniques also. So there are different parameters, and last conclusions, whether they are concluding as per the reliable sources or not. And these are बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हिमांशी राघव और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है एंडेवर, जिसमें बहुत सारे सब इवेंट्स हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1408 में, जहाँ पर चल रहा है एडमेंट शो। आइए देखते हैं कि इस इवेंट में क्या चल रहा है। आइए बात करते हैं इस इवेंट की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इवेंट की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर मिस मेघा। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, इस इवेंट में एग्जैक्टली क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? This is one of the events in the fest that is Endeavor. This is an annual fest of the management department. Here the students will be displaying their tactics, acting skills related to the advertisement of the product. As we know, it's as important to advertise the product as it is to manufacture the product. Until and unless you're not able to position the product in the market, you will not be able to sell it. So that is what we are here for. They learn the selling tactics and the how to advertise and position their brand and the product. So thank you so much, ma'am. So ma'am ka kehna hai ki is events ke through कैसे किस प्रोडक्ट को बेचा जाए, कैसे उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए, वो हमें पता चलता है। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन तनुप्रिया के साथ मैं हिमांशी राघव, टेक्निया टीवी दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पार्टिसिपेंट। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस इस इवेंट से लेकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? धान्या। आपका नाम? तनीषा। तो आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका आइडिया क्या था और किस बेसिस पर आपने अपनी परफॉर्मेंस दी थी? हमारा आइडिया था कि हम कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करें, हम लोग कुछ कॉमन टॉपिक से हट के कुछ प्रेजेंट करें। इसलिए हमने किसी प्रोडक्ट पे नहीं, हमने एक सोशल अवेयरनेस पे एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए सोचा।
और कुछ डिफरेंट होना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया। तो क्या था आपका टॉपिक बेसिकली? हमारा टॉपिक डेंगू था और जिसमें हम लोगों को बताना चाह रहे थे जैसे आजकल बारिश वगैरह है तो मतलब अपने आप को जैसे सेफ रख के चलें आगे, क्योंकि अब डेंगू आने वाला है और हमें उसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। तो ऐड सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सोशल कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही की जाए, उसमें सोशल इशूज़ पे भी एड्स होते हैं। तो इन्होंने बहुत हटके एक टॉपिक चुना, उन्होंने डेंगू के ऊपर एड्स बनाए जिसमें वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो ये काफ़ी हटके टॉपिक था और काफ़ी अच्छा टॉपिक था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इवेंट के जज डॉक्टर अमित, आइए उनसे बात करते हैं किस बेसिस पे इस इवेंट की जजमेंट हो रही है। सर, किस किस बेसिस और किस किस पॉइंट्स को नज़र में रख के आप इस इवेंट में जजमेंट दे रहे हैं? इस इवेंट में देखिए बेसिकली तीन क्राइटेरिया को हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। पहला है क्रिएटिविटी ऑफ द एडमेड शो, दूसरा है टीम वर्क और तीसरा है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट। इन तीनों क्राइटेरिया पे हम लोग देख रहे हैं। तो सर ने बताया हमें कि वो तीन क्राइटेरिया पे इसको देख रहे हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें हमारे विनर्स मिलेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ अग्रवाल टेक्निया टीवी में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के रूम नंबर 1406 में, जहां पर एमबी डिपार्टमेंट का एंडिवर नाम का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस एंडिवर इवेंट के सब इवेंट डिबेट कॉम्पिटिशन में हम लोग इस वक्त हैं। आइए बात करते हैं इस इवेंट के फैकल्टी मेम्बर से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इनप्रीत सिंह। सर से जानेंगे कि क्या इस इवेंट के बारे में, सर इस इवेंट के बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। Basically, this is an event about debate dialectics, जिसमें आपको students, there are different students, they need to participate in one debate in which they have to speak against, for and against the topic given by us. And judge, they will give us the time to the students and after that they will have to present, as you can see here, a for and then against, okay? Then this is about the topic. Then we will give them hardly 10 minutes for preparation. After that they need to present themselves to explain the topic. तो हमारे साथ मिस्टर इनप्रीत सिंह ने हमें बताया कि किस तरह से सारा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट की जग डॉक्टर कीर्ति मिकलानी, आइए उनसे इस इवेंट के बारे में जानते हैं। मैम, आपका क्या क्राइटेरिया है इस पूरे कॉम्पिटिशन को जज करने का? बेसिकली इट्स एन इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज बाई द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। And in this event, we are considering the clarity, communication process and the presentation skills of the students. Let's see what happened. And students are actively participating and they are giving their best. So ma'am, अभी तक के students में आपको किसका performance ज़्यादा अच्छा लगा? अभी तक जो हमारा अभी recent group गया है, जिसने Say No to Crackers के ऊपर discussion किया, वो बहुत ही उम्दा group था, बहुत ही अच्छा presentation दिया था उन्होंने। और देखते हैं अभी और group भी बाकी हैं, कैसा वो प्रेजेंट करते हैं। बाकी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अपने आप को उजागर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिबेट कंपटीशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स, आइए इनसे जानते हैं। आपका नाम? हेलो, आई एम दीपमाला फ्रॉम एमबीए डिपार्टमेंट एंड विद माय आई एम प्रियापाल फ्रॉम एमबीए डिपार्टमेंट। तो आप हमें अपने टॉपिक के बारे में और इस इवेंट के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो दिस इज द इवेंट ऑफ डिबेट कंपटीशन एंड आवर टॉपिक इज ऑड इवन फार्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल इन दिल्ली बाय अरविंद केजरीवाल। सो आई एम इन अगेंस्ट ऑफ ऑड इवन फार्मूला एंड शी इज इन द फेवर ऑफ ऑड इवन फार्मूला। सो आई थिंक दिस इज द नाइस इनिशिएटिव बाय केजरीवाल, बट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग रन। And what do you say? It gives us very benefits, like it helps in air pollution control and money saving and saving the money, income to government, reduce pollution and many more benefits. But I contradict the points. There is no any control of pollution because it is reducing and because it is increasing day by day and because of rapid industrialization pace and. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक को लेकर सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि जजेस क्या फैसला करते हैं, कौन सही है कौन गलत है। माध्यम है जो देश के विकास को, देश का विकास करने में मदद करता है, देश को आगे लेकर जाता है। पर बात करी जाए भारत की, क्योंकि टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो थोड़ा वीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूम नंबर 1310 में, जहाँ पर जस्ट अ मिनट नाम का इवेंट चल रहा है। आइए बात करते हैं इस इवेंट की फैकल्टी मेंबर से।
हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट की फैकल्टी मैम, आपका नाम? रजनी बंसल। रजनी बंसल मैम, हमें बताइए कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपने क्या क्या किया? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने टीम्स की डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, लाइक BBA, PGMC, MBA, ऑलमोस्ट हमारे पास 20 से 25 कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें हमने सभी को 1 मिनट का टाइम दिया। उन्हें पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर बोलना था। हमने जिस सिस्टम के थ्रू उन बच्चों को बोला कि चिट्स से ड्रॉ करें, और देन वे 3 मिनट्स के अंदर अंदर आप उन टॉपिक के ऊपर, ना ही कोई रिपीटेशन हो एंड ना ही कॉन्फिडेंटली वो उस टॉपिक के बारे में विद इन 3 मिनट्स के अंदर सबके सामने प्रेजेंट करें। तो ये थी हमारी फैकल्टी मेंबर मिस रजनी। अब बात करते हैं इस इवेंट के जज से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट के जज डॉक्टर वरुण कुमार। आइए बात करते हैं डॉक्टर वरुण कुमार से। सर, आपको इस इवेंट को जज करने के लिए आपने मतलब क्या आपके पैरामीटर्स हुए हैं? देखिए, मेजर पैरामीटर्स थे हमारे, जैसे जस्ट ए मिनट में स्टूडेंट्स ने अपना, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट जब हम जस्ट ए मिनट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी होती है कि 1 मिनट के अंदर अपनी विजडम, अपने टैलेंट को शो करना। ऑल स्टूडेंट्स प्लेड वेरी वेल और देखते हैं रिजल्ट क्या रहते हैं। सर, ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो आपके दिमाग में एकदम बैठ गई हो, जो आपको लगा हो कि एक जस्ट अ मिनट के लिए वो चीज़ एकदम परफेक्ट है? ऑल आर गुड परफॉर्मेंस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1307 में, जहाँ पर बिजनेस प्लान एक इवेंट चल रहा है। आइए हम बात करते हैं इस इवेंट की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोनिशा मैम से कि आखिर इस इवेंट में है क्या। मैम, क्या आप हमें बताएंगे एग्जैक्टली बिजनेस प्लान में ऐसा क्या है? See, in business plan, what do we have is students come with various plans which are innovative enough and in which if we'll invest, so we can earn a lot of money. So students come up with brilliant ideas from different aspects and from different fields. So ma'am, basically jo business plan hai, yahan se jo ideas nikalte hain, to wo actually mein implement kiye jaate hain baad mein? Yeah, definitely, because we do have entrepreneurship development cell. So jitne bhi ideas hote hain which are actually fruitful and which are actually like innovative enough, to wo hum zarur implement karte hain. Thank you so much ma'am. To ma'am ka kehna hai ki business plan ek aisa event hai jiske through new ideas, new innovative ideas jo aage jaakar bahut acche business plans khol sakte hain, jo logo ko employment de sakte hain, wo yahan se generate hote hain. इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूम नंबर 1310 में, जहाँ पर एंडीवर क्विज कंपटीशन आयोजित हो चुका है। आइए बात करते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। आपका नाम? हार्दिक। तो हार्दिक, सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी आए हैं या कुछ पार्टिसिपेशन बाहर वाले स्टूडेंट से भी हुआ है? कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर के भी थे, रुक्मणी देवी के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो उनका जो लेवल था वो हमारे स्टूडेंट्स से किस तरह से मैच करता है, या फिर क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला? डिफरेंस मेरे को देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे टेक्निया के, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ पाए। अब हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉम्पिटिशन की फैकल्टी मिस कनिका शर्मा। आइए उनसे जानते हैं इस कॉम्पिटिशन के बारे में। हेलो मैम। मैम, इस कॉम्पिटिशन के बारे में हमें बताइए कि किस टॉपिक पर आपने क्विज कंडक्ट करवाया और जो बाकी बच्चे आए हैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? See, the experience was very good. There were 10 teams and the competition was based on 3 areas, that is management, IT and general knowledge. And there were 3 winners out of those 10 teams. And the competition was tough and there was a tiebreaker round at the end. That's it. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्विज कॉम्पिटिशन के जज मिस्टर अनुज गांधा सर, और इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा अपनी जजिंग में। तो सर, आपका जजिंग में क्या क्राइटेरिया रहा? When you talk about the criteria regarding judges judging the total this particular quiz, it's nothing, it's basically the person who has to make a right answer, he will be selected, he will be awarded 5 marks. The person who is not being answering or answering wrong question, he will be given 0 marks. If the answer would be correct, then it's okay. If the answer would be wrong, there would no pass, the question will not be passed to anybody. If the person doesn't answer anything, then the question will be passed to the other team, and that team will be given 2 marks. So that is the basic criteria. And basically, when there would be a tiebreaker out of it, in that case, it has happened that the person who will answer the first will be selected. That is the basic criteria regarding what we call as judging the total quiz. तो सर, हमारे इस कॉम्पिटिशन में बाकी कॉलेजों से भी पार्टिसिपेशन हुआ है, तो उनके पार्टिसिपेंट्स को देख के आपको क्या लगा? If I talk about the participations from the other groups, or you can say other colleges, so our college is basically doing much better as compared to other one. Our students are much more
intelligent. If you make a comparison, other students are also good, but if you take overall criteria, I find my students are much more better. इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1307 में, यहाँ Endeavor का सब इवेंट लोगो डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे साथ इसके फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर बताइए, बेसिकली ये लोगो डिज़ाइनिंग है क्या, मतलब इसमें क्या करना होता है बच्चों को? ये लोगो डिज़ाइनिंग मैनेजमेंट का एक इवेंट है जिसमें कि MBA और BBA के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस इवेंट में बच्चों को क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को परखने के लिए एक इनको एक एक टास्क दिया गया है और ये टास्क है कि बच्चों को आज ये टॉपिक दिया गया है किसी भी स्पोर्ट्स वियर का एक लोगो, स्पोर्ट्स वियर या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का एक लोगो, ये आज शीट पर ड्रॉ करके हमें दिखाएंगे। इसमें टेक्निया के अलावा बाहर के कॉलेज के भी बच्चे आए हैं और वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं लोगो डिज़ाइनिंग की जज डॉक्टर नमिता मिश्रा, आइए जानते हैं उनसे। मैम, आपके जजमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा? लोगो डिज़ाइन इज़ अ वेरी क्रिएटिव एक्टिविटी। So in logo design there are two rounds. One is quiz round where we show the logos and student reply the company logo, name of the company. And in second round there are two parameters. One is creativity and second one is logo explanation.